नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका प्राज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस पर। बच्चों, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी क्षमा चाहूंगा थोड़ी सी टेक्निकल एरर के लिए। तो बच्चों, आप सबको पता है आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस का एक विशेष अवसर है। इस अवसर पर बच्चों मैं आपको मिलाना चाहूँगा कुछ गेस्ट से। जैसा कि आप सबको पता है हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं मकराना विधायक श्री रूपाराम जी मुरावतिया। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं श्री शिवचरण जी मीणा जो अभी सवाईमाधोपुर में एक आरएस के पद पर तैनात हैं। उसके बाद आपको हमारे डायरेक्टर सर कुछ संदेश देंगे। उससे पहले शिक्षक दिवस पर बच्चों मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। वो कुछ ऐसी है कि प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है जहां पर आपको फ्री में निशुल्क आपके जितने भी एक दिवसीय कंपटीशन क्लासेस हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, पटवार हो, डिफेंस हो, कोई भी सेगमेंट हो, हमने राजस्थान की टॉप मोस्ट फैकल्टी का एक ऐसा कलेक्शन किया है एक जगह, उनको हमने संकुल बनाया, एक समूह बनाया है जो आपके सरकारी नौकरी लगने के सपने को साकार करने के जुनून के साथ आपके साथ तैयारी आपके साथ करवाएंगी और पूरे दिन रात मेहनत करेंगी। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा हमारे अपने विधायक श्री रूपाराम जी मुरावतिया को, ताकि वो आपको गाइडेंस दे सके, आपको मार्गदर्शन कर सके कि कैसे इस जो ये कोरोना काल है इसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई मानसिक या चाहे शारीरिक तनाव, दोनों प्रकार के तनाव किसी वर्ग ने झेले हैं तो वो शायद मेरा विद्यार्थी वर्ग है। उस विद्यार्थी वर्ग के इस मानसिक तनाव को कैसे दूर करके, कैसे अपने गोल फोकस अप्रोच रख के किस प्रकार शिक्षा को वह ग्रहण की जाए, कौन से प्लेटफॉर्म से तैयारी की जाए, किस प्रकार पढ़ाई की जाए, उस सब की गाइडेंस के लिए हमारे अपने माननीय विधायक श्री रूपाराम जी मुरावतिया आपका गाइडेंस देंगे। जी सर आइए। प्यारे बच्चों, आपके अपने माननीय विधायक श्री रूपाराम जी मुरावतिया अब आपको गाइडेंस देंगे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप किस प्रकार शिक्षा को ग्रहण करें, किस प्रकार अपने सरकारी नौकरी लगने के सुनहरे अवसर को प्राप्त करें, उसके लिए गाइडेंस देंगे हमारे सर। सर प्लीज। सभी मेरे साथियों को, बच्चों को, जो भी इस वक्त लाइव है या बाद में मुझे सुनेंगे, उन सबको मेरी तरफ से आज शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सज्जनों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि मुझे आप सबके सामने रूबरू इस बात को लेकर होना पड़ा या शिक्षक दिवस पर मैं आप सबके सामने हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। शिक्षा मानव जीवन में सर्वोपरि है, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। आज के ज़माने में शिक्षा के माध्यम से ही आदमी अपनी जीविका प्राप्त करने में और भी आसानी से अपने आप को महसूस करता है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, पहले तो उन सभी शिक्षकों को जो चाहे उम्र में मुझसे कम है, मेरी तरफ से आज के दिन बहुत बहुत शुभकामना। हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे मालिक, मेरे हिंदुस्तान के, मेरे राजस्थान के शिक्षकों को ऐसी शिक्षा देने के लिए आप तैयार करें कि वो देश का भविष्य बनाने वाले हमारे लाखों करोड़ों बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिसमें वो अपनी जीविका पार्जित करे और अपनी नैतिकता भी और देश के प्रति अपना फर्ज निभाए। इसलिए मैं इस आज प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज के माध्यम से
इस प्रज्ञा डिजिटल क्लास चलाने वाले संचालकों की तरफ से, मेरी तरफ से, इसमें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होनहार शिक्षक है, उनका जो समूह बना है, उनकी तरफ से आज शिक्षक दिवस पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं इस बात को लेकर आशावान भी हूँ। आज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो शिक्षा का वर्ग हुआ है। इस आज के इस कोरोना काल में, और जो शिक्षा के साथ में जैसे स्कूल है, कोचिंग है, क्लासेज है, ये शिक्षा के और भी जो संस्थान है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और इस प्रभावित में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए गांव के साधारण परिवार के बच्चे, गांव के रहने वाले बच्चे। उनको भी इस बात का ध्यान रखते हुए प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज ने एक ऐसी संचालन किया है, ऐसा एक यूट्यूब के माध्यम से आपको निःशुल्क ज्ञान प्राप्ति के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज मैं इस मौके पर फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधा, अपना उद्देश्य प्राप्ति, अपनी आज जो भविष्य में जो भी भर्तियां होगी राजस्थान में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सफल बनाने के लिए प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज की तरफ से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य प्राप्ति की सफलता में आपके लिए प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज कारगर साबित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि आज के युग में हमारी शिक्षा के साथ में हमारी नैतिकता की जिम्मेदारी भी बननी चाहिए, होनी चाहिए। मैं बीच में एक बात और कह देता हूँ, कोरोना काल प्रभावित हुए हैं लोग, और कोरोना का अभी भी आपको सावधानी रखनी होगी, मास्क रखना होगा, एक दूरी बनानी रखनी होगी। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस महामारी को हल्के में न ले, और आप सभी से मैं पुनः ये निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़ें, इस प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज की जो ये शिक्षा या कोचिंग क्लासेज की देने वाली जो शिक्षा के लिए जो बनी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आप गांव के लोग, साधारण परिवार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, और आने वाली भर्तियों में, आने वाली जो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अपने आप को जो शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, मैं समझता हूँ कि प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज एक संपूर्ण कारगर क्लासेज के लिए हम आप सबको लिए एक सुविधा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा, ये प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज आपकी है, आप सबकी है, आप मेरी भी मानिए, आपकी भी मानिए, हमने इसको इस बात का ध्यान रखते हुए शुरुआत की है कि हम इसमें हमारी आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रखते हुए बच्चों के भविष्य का ध्यान रखेंगे, और इसमें हम साबित कर देंगे इस बात को, जो इस प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज से जुड़े हुए जो अध्यापक बंधु है, जो अध्यापक बंधु है, जो एक अच्छा और शिक्षित और काफी जानकार लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये समूह के लोग हैं, इस पर मुझे विश्वास है, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। हम सब ने ये सोच कर ये आप सब के लिए और इस शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, आप सब के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो समूह बना हुआ अध्यापकों का, ये राजस्थान के उच्च क्लास के समझदार, बुद्धिमान या ज्ञानी कहें या अनुभवी शिक्षक है, इनसे आप निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे। एक बार फिर आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना, समय समय पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, इस हमारी दृढ़ता और संकल्प को दोहराता हूँ कि प्राज्ञा डिजिटल क्लासेज आज राजस्थान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उन युवा बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित रह गए, जिनका भविष्य उज्जवल है, जो अपने भविष्य के लिए ये जानकारी चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाने के लिए
क्लासेज में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो यूट्यूब पे आपको निःशुल्क ज्ञान मिलेगा। और भी इससे जुड़े रहिए, इसी आशा के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर एक बार मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे उन सब गुरुजनों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे उम्र में मुझसे कम है, उनको मैं कह रहा हूँ, हे पिता परमेश्वर, मेरे राजस्थान के, मेरे हिंदुस्तान के गुरुजनों को, शिक्षकों को, शिक्षकों को आप मान सम्मान यश कीर्ति सुख संपत्ति दीजिए, वो निरोग रहे, दीर्घायु जीवे, और मेरे देश के, मेरे राजस्थान के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो उनके भविष्य में भी काम आए, नौकरी में काम आए, नैतिकता में काम आए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी वो ऐसी शिक्षा की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, एक समाज के बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिकल लीडर, और आप कह सकते हैं एक ऐसे समाज के तबके के वो नेता जिन्होंने अपने अनुभव से आसमान की बुलंदियों को छुआ है, उन्होंने आपके सामने आकर आपसे बातचीत की और आपको किस प्रकार शिक्षा का मार्गदर्शन दिया वो आप स्वयं अपने आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो बच्चों, कहना चाहूँगा एक बात आपको, ये जो एक दिवसीय कॉम्पिटिशन क्लासेज हैं, ये हमारी तरफ से पूर्णतः निःशुल्क है। YouTube चैनल आपके सामने है, प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, आप अपने डिमांड्स रखिए, आप अपने गुरुजनों से आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप वो पुटअप कीजिए, हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी, हर प्रकार से। हमने जो टीम खड़ी की है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो मेरी साइंस की हो, चाहे वो मेरी इंग्लिश की हो, चाहे वो मेरे मैथ्स की हो, चाहे वो मेरे रीजनिंग की हो, चाहे वो मेरे राजस्थान जी की हो, कोई भी टॉपिक का जो आप जिनको आप सोचते हैं कि ये मेरे राजस्थान, ये राजस्थान जी के, मगर ये सर मुझे पढ़ाएं तो ये धुरंधर फैकल्टी हैं, हमने वो फैकल्टी का शिक्षा समूह आपके लिए बनाया है और वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आपको और उसी के साथ मैं यहाँ आज एंड करना चाहूँगा इसी शिक्षक दिवस के एक छोटे से समारोह स्वरूपी सेमिनार को। ये तो सच है कि भगवान है धरती पर रूप माँ बाप का, उन्हीं माँ बाप के सपनों को साकार करने के जुनून के साथ टीम प्राज्ञा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।